गाइज वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। गाइज उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, अल्लाह के फजल करम एहसान है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और गाइज आज मैं मौजूद हूँ यूसुफ शाह रोड पे, अपने मारूफ शहर जंग के कदीमी इलाके यूसुफ शाह रोड पे। और ये जो है ये मेरे कज़न हैं तो मेरे से उम्र में छोटे पर लगते बड़े हैं, कुराड़े मुंह कुराड़े हाथ पैर हैं और तड़ी कैर। जिंगर बर्गर कैसा था भाई? लोग कौन सा बर्गर? अच्छा प्लेटें खाली पई हैं ना ये भी सामने मेरे तो हाथ में भी। गाइस आज हम लोग निकले थे एवं बाहर आउटिंग के लिए, मैंने बूट लेना था दरअसल, तो ये जो हैं ये ज़रा मम्मी डैडी बॉयज़ हैं, मुझे किसी चीज़ का पता नहीं है क्या चीज़ लेनी है कहाँ से, इन्हें मैं साथ ले गया। हम पहले एक दुकान पे गए, वहाँ से एक चीज़ मुझे पसंद आई वहाँ से नहीं ली, फिर दूसरी दुकान पे गए, फिर तीसरी दुकान पे गए, फिर चौथी दुकान पे गए, पांचवी दुकान पे गए, फिर वापस वहीं से जाके पहली दुकान से ही लिया। वो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा गाइस। ये गाइस पैंट शर्ट के साथ भी पहना जा सकता है और जो है सूट के साथ भी। अरे भाई शूज़ तो गाइस अच्छा है और मौसम जो है मरीजाना है, बारिश आई नहीं है और खुश मौसम है, कीमत भी अच्छी है, बस सही मुनासिब कीमत। फिर यहाँ से हमने भाई के पास बर्गर खाए और भाई के बर्गर बहुत अच्छे थे। मसरूफ़ हैं भाई काल। अंदर खोलना गाइस, बर्गर बड़े मजेदार थे। अब गाड़ी में बैठ के जो है वापसी की तैयारी है, जाने लगे गाइस। ये पठानों वाली जो मार्केट है ये शुरू हो रही है, यहाँ पे एक जो है शूज़ कज़न का छोटा निकला, उसे हम जा रहे हैं तब्दील कराने के लिए, एक नंबर बढ़ा लेने के लिए। और जो है ये सारी मार्केट है उर्फ पठानों की, मारूफ मशहूर पठानों की। एक नंबर बड़े शूज़ ले लिए गाइस। जो है इंसान की अपनी तरजीहात का फ़र्क होता है, यहाँ पे शूज़ जो बड़ी शॉप्स पे 3500 4000 5000 6000 के थे वो यहाँ पे गाइस आपको मिलेंगे 700 500 600 के, बस तरजीहात का फ़र्क है गाइस। मतलब अच्छी चीज़ मिल जाती है, थोड़ी सी क्वालिटी का फ़र्क होता है, बिल्ड क्वालिटी का, पर बट लाइक सीम्स जैसे अगर आप देखना चाहें देखने में चीज़ें तकरीबन ही सेम होती है और इतना फ़र्क जो है रेट्स का, तो दिस इज थिंग्स बिटवीन टू कॉन्स्टेंटली अपॉर्चुनिटी। व्हाट नहीं ये गाइस पठानों की मार्केट, और यहाँ से आप निकलें ये थी पठानों की मार्केट, और यहाँ पे जैकेट शूज़ जुराबे चेयर्स वगैरह सब सस्ते मिलते हैं। और फिर ये बाज़ार जो है थोड़ा सा अप हो जाता है, और अगर आप यहाँ से सीधा जाके लेफ्ट राइट हो के फिर लेफ्ट हो जाएं वहाँ पे ज़रा और ऊपर अपर क्लास हो जाती है। किसने ले दिया अहमद खान बेटे, किसने ले दिया? की कर ली है की कर ली है? Uh,
हेलो गाइस, वेलकम बैक। नेक्स्ट डे, कल का दिन गुजर गया था, सो गया था घर जाके और थकान भी हो गई थी, बैटरी भी मोबाइल की लो हो गई थी। और आज कटिंग करवाई, कोई बाल शाल करवाए, तो उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा। नहीं लग रहा तो कोई नहीं यार, बाल फिर आ जाएंगे, अपनी खेती है घर की। और इस वक्त मौजूद है ये हमारे पुराने मोहल्लेदार शोरी साहेब, शोरी उर्फ रजब उर्फ शोरी साहेब। तो ये मिले जी शोरी साहेब से, और शोरी साहेब इस वक्त देख रहे हैं मेरे व्लॉग्स अपने मोबाइल पे। और शोरी साहब फिर इंजॉय कर रहे हैं व्लॉग? यस, मज़ा आ रहा है देखने में, बहुत इंजॉयमेंट हो रही है, हैं, अप्रिशिएट करते हैं। yes. सब्सक्राइब भी कर लिया आपने, तो आप हमारे व्यूवर्स से क्या कहना चाहेंगे कि सब्सक्राइब करें या ना करें? करना चाहिए ना। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें जल्द से जल्द। इतनी हंसी है आपसे कह रही है कि चैनल सब्सक्राइब करें, तो गाइस कर दें अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकॉन भी दबा दें, और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो गाइस स्टे विथ अस, वेलकम बैक गाइस। जो हमारा मुल से मतलूब था वो आखिरकार हमें मिल चुका है। उसका जुर्म जो है वो हम आप लोगों को नहीं बताएंगे, वो हम दिलों में रखेंगे, क्योंकि हम बता लेंगे मुलजिम बकार हैदर। ये दो सिपाही, ये देखें टॉमी हाइल फायर, इन्होंने पकड़ा इसे। हाँ भाई, किधर पड़े हैं इन्हें? वकार हैदर की जुर्म दी सजा है तेरी गाइस। इसका जुर्म इतना संगीन है कि ये अपनी शक्ल भी दिखा दी, इसने अपनी शक्ल भी छुपाई हुई है। इसका जुर्म इतना संगीन है, वो इतना संगीन जुर्म हम आपको बताएंगे 110 में। ना भाई हाँ की जाए इन की है। अच्छा बकार अदर 10,000 एक क्यों किया साढ़े नाल? तू विके तू साढ़े नाल क्यों किया? तू साढ़े नाल किया ते किया क्यों? मैं कोई नहीं कर ले दे जाम विके यार चल अच्छा चल यार बकार अदर ठीक है, तू जो भी किया कर दिता है। हुण जनाब तेरी पलंटी की है, तू सानू आप दस दे। दस ऐसे यार ओ पलंटी पा दे भी बड़ी है ओ वाली चाह केड़ा यार ठीक है। तंदूरी चाह दा पलंटी तेरे ते पैगी कितने? 80 100 रुपये नाल बस तेरे जुर्म माफ। चल वकार हैदर क्या विवाह सानू चल सन आ छोड़ यार अब के सानू वकार हैदर क्या विवाह तंदूरी चा बिकी वकार हैदर की सोच रही है यार यार। गाइस वकार हैदर को हमने प्लंटी डाल दी है तंदूरी चाय की, ठीक है। अब वकार हैदर का रिस्पांस का इंतज़ार है, हम लोग इंतज़ार करते हैं फिर आपको बताते हैं। तो गाइस रात हो गई है और ऑफिस वगैरह बंद करके घर आ गया मैं, बस कुछ देर में खाने के बाद फिर सोने की तैयारी है। सो गाइस आज के व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, और अगर आज का व्लॉग आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और अपनी राय का इजहार करें। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।